उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रात 12 बजे के बाद अर्घा से जलाभिषेक किया गया। बोलबम के नारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। सावन महीने के पांचवीं सोमवारी को हजारों कांवरियों ने जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था और भक्ति का जनसैलाब उमड़ने लगा। पहलेजा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर चले कांवरियों का जत्था बाबा गरीबनाथ के मंदिर पहुंचते ही पूरा इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। मंदिर परिसर में बोलबम के नारे सुनाई पड़ रहे थे। मलमास महीने में इस बार 2 श्रावण महीना है। इस बार 19 साल बाद ऐसा संयोग लगा है। सम्मानित जितने 34 सोमवार में लोग आए थे कांवरिये, लगभग उतने कांवरिये इस बार भी आए हैं। ये 8 सोमवारी है तो बट गया सबको। एक पहले होता जो दूसरी और तीसरे फायदा भीड़ होता था, पहली और अंतिम वाली में कम भीड़ होता था, लेकिन अब लगभग बराबर चल रहा है। दूसरी भीड़ हुई थी और मेरा जहां तक आकलन है भक्तों के प्रति, तो फिर ये 7वीं सोमवारी में ज़्यादा भीड़ होगी। क्या जिसको लोग किसी मान के लोग शुद्ध श्रावण मास में, अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, शुद्ध श्रावण मास हो जाएगा, उसमें भीड़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा मेरा अपना मैंने सोच और आकलन है। और आराम से जितने भी भक्तगण हैं, जब तक स्थानीय चल रहे हैं तो 2 घंटे में कांवड़ियों का भीड़ खत्म हो गया था, 3 घंटे में। और मोटरसाइकिल बम हो जाता था, हर बार मोटरसाइकिल बम पड़ता चला जा रहा है। ये जो अभी प्रचलन चल रहा है, ये प्रचलन उचित नहीं है। एक तो पीठ पर जल लाना, कांवर का प्रथा खत्म करना, कांवर का मतलब कांवर, वो बांस के बहनी से लेके कांवर लेके जल लेके आना। आज भी अन्य प्रदेशों में, दिल्ली जैसे प्रदेशों में, हरिद्वार जैसे प्रदेशों, पंजाब जैसे प्रदेशों में, हरियाणा जैसे प्रदेशों में कांवर का जल चढ़ता है, लेकिन अब तो यहाँ ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन कांवर का जल होना चाहिए। और अभी जो स्थानीय वक्त जल चढ़ा रहे हैं और आराम से जल चढ़ाए।